तो लास्ट टाइम हमने YDSC के कुछ न्यूमेरिकल्स किए भी थे, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था, मैंने रोक लिया था, मैंने कहा ये अगली बार करेंगे, क्योंकि ना इसकी लैंग्वेज आपको उस टाइम समझ में ना आती, अब समझ में आएगी। वो क्या कह रहा है, इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा। समझ में आ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा इन YDSC एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। अब देखो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर गया, कैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्चुअल में होता क्या है, दो स्लिट्स हैं, ये आपके पास सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पर ये दो वेव्स हैं। इमेजिन करो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इंडिविजुअल इंटेंसिटीज आई नॉट है, तो इनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज आई नॉट और आई नॉट है, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, जब इंटेंसिटीज बराबर हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, क्या फॉर्मूला है, वैसे तो ये फॉर्मूला था 4a² cos² 5/2, ये फॉर्मूला था। और अगर इसका एम्पलीट्यूड भी बराबर है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, आई नॉट, ऐसे सही है। तो मेरा वही फॉर्मूला बन गया जो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का 4i0 cos² 5/2, वेयर आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल वेव। तो एक वेव की इंटेंसिटी आई नॉट है, दूसरे की आई नॉट है, तो ये रिजल्टेंट है। अब मुझे ये भी पता है कि सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट के ऊपर फाई क्या होता है, जीरो, क्योंकि फेज डिफरेंस तो होता ही नहीं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या बनेगी, 4i0 cos² क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि क्या है, वन। तो सेंटर पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, 4i0, सही है, कोई डाउट इसमें। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर 4i0 का मतलब है जब फाई को जीरो पुट करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, 4i0, सही। क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन है इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट 4i0, वो कहते हैं जी आई नॉट। अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i0 cos² 5/2 है, पर उसने क्या बोला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेंट्रल पे 4i0 नहीं है, कितनी है, आई नॉट। तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, मेरे फॉर्मूले में 4i0 की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, आई नॉट। ये पॉइंट समझ में आया, कैसी कंफ्यूजन क्रिएट की, वैसे गलत है ये कि आई नॉट कर दो, तो 4i0 को उसने आई नॉट से रिप्लेस कर दिया, समझ में आ रहा है यहां तक। तो अगर मैं इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई नॉट लूंगा, फिर तो 4i0 आएगा फॉर्मूला, पर वो कह रहा है कि सेंट्रल पॉइंट पर रिजल्टेंट ही आई नॉट है, 4i0 नहीं है, तो जहां 4i0 था वहां रिप्लेस करके मैंने क्या कर दिया, आई नॉट, सही। अब क्वेश्चन स्टार्ट है, वो कह रहा है कि मेरे को रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ जब पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/6, लैम्डा का मन में मतलब क्या होता है, 2π, 2π/6 क्या होता है, π/3, तो आप फाई की जगह π/3 पुट कर लेना यहां पर आंसर। λ/4, लैम्डा का मतलब क्या होता है, 2π, 2π/4 क्या होता है, π/2, तो π/2 पुट कर देना आंसर। ऐसी λ/3, लैम्डा का मतलब 2π/3 पुट करना आंसर। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो आप रटा रटाया फॉर्मूला 4i0 लगा के 4 टाइम आंसर निकाल आएंगे, जो गलत हो जाएगा, और आंसर आना चाहिए किस विद रिस्पेक्ट टू क्या, i0। तो आप फॉर्मूले को पहले मॉडिफाई करेंगे, फिर अपना आंसर निकालेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, सिर्फ इसी क्वेश्चन में, वैसे हर क्वेश्चन में 4i0 ही होता है, पर इसने बोला तो मैंने i0 यूज कर लिया। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की, और मैंने क्यों नहीं करवाया था लास्ट टाइम, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी था ये। ऐसे ही एक और ट्रिकी पार्ट है 11th क्वेश्चन पढ़ना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना ही ट्रिकी है,
समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, चलो मुझे बात समझ में आती है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकाल रहा है कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के सेंटर पे, टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वन क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। क्या फेज डिफरेंस क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है इसमें, ठीक क्लियर है। तो मेरे को क्या निकालना है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकालना है। मेरे को इतना पता है कि स्क्रीन के ऊपर अगर इंटेंसिटी दोनों वेव्स के बराबर हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, तो कई बुक्स ये यूज़ करती हैं फॉर्मूला पर, मैं ये यूज़ करता हूँ, एक ही बात है इसमें, इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो रिजल्टेंट क्योंकि इसमें वन प्लस कॉस फाइव मैंने बताया था टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू होता है, तो आंसर फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू है। अब सारी गेम किस पर डिपेंड करती है, फाई क्या लेना है, ठीक है यहाँ तक, तो फाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक पहला पॉइंट मुझे ये बताओ, अगर मैं एक ब्राइट फ्रिंज लूं स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं एक ब्राइट फ्रिंज लूं तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा। चलो मान लो एक मिनट के लिए यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा, तो अगली ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस क्या आएगा, टू लैम्डा, अगली का क्या आएगा, थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा, फाइव लैम्डा, ऐसे ही है। तो दो फ्रिंजेस, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा, लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, ऐसे ही है। ब्राइट फ्रिंजेस में एन लैम्डा होता है पाथ डिफरेंस। किन्हीं भी दो फ्रिंजेस को ले लो, ब्राइट और ब्राइट ले लिया, दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, टू लैम्डा में से लैम्डा कभी भी माइनस कर दो आंसर लैम्डा ही आएगा, और लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ टू पाई, टू पाई। तो दो फ्रिंजेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा, दो फ्रिंज डिफरेंस लैम्डा, तो लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू टू पाई। तो यानी कि उसने क्या बोला कि इंटेंसिटी निकालो ब्राइट फ्रिंजेस की, तो मैंने यहां टू पाई यूज कर दिया, और अगला पार्ट है वन क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस कितनी है, लैम्डा, लैम्डा का क्वार्टर क्या बना, लैम्डा बाय फोर। दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस क्या बना, लैम्डा, और लैम्डा का वन क्वार्टर कितना हुआ, लैम्डा बाय फोर, तो फाई कितना हुआ, पाई बाय टू। लैम्डा का मतलब टू पाई होता है, तो टू पाई बाय फोर क्या होता है, पाई बाय टू। तो एक बार आप फाई की जगह पुट करेंगे टू पाई, और एक बार फाई की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय टू, और फिर दोनों इंटेंसिटी की रेशियो निकालेंगे आंसर आएगा।